मूवी स्टार्ट होती है और हम चार लड़कों को एक बीच पर देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे तभी वहाँ पर एक लड़की दिखती है। वो वहाँ का कचरा साफ कर रही थी। सारे फ्रेंड्स अपने एक फ्रेंड एडी को डेर देते हैं कि जाकर उस लड़की से रीजन पूछो कि वो ये सब साफ क्यों कर रही है। वो जाकर उसे अप्रोच करता है और लड़की ने उसे कहा कि 7-11 को मैंने लूटा था, इसी वजह से मुझे काम मिला है। वो मजाक कर रही थी। वहाँ पर फिर सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। स्लोली स्लोली उनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ने लग गई। वो लड़की अपना नाम निकोल बताती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस बीच का मैनेजर था। वो निकोल को काम ना करता हुआ देखकर उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन हमें कार्लोस को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट कर एक स्कूल के बस में बैठ जाता है। वो अपने हाथ में US एकेडमी का ब्रोशर देख रहा था। दूसरी तरफ हमें निकोल अपने घर पर दिखाई जाती है। वो अपनी दवाई लेकर टीवी देख रही थी। टेलीफोन की रिंग बजती है और निकोल की मॉम फोन रिसीव करती है। दूसरी तरफ निकोल के फादर थे। वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी निकोल अपने फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में स्कूल के लिए निकल जाती है। निकोल और कार्लोस ये एक ही स्कूल में थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। एक तरफ कार्लोस एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और दूसरी तरफ निकोल एक बिगड़ी हुई लड़की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्लोस को निकोल एक पेड़ के नीचे दिखी। वो जाकर उसे बात करता है। उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है। उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पर निकोल उसे भाव नहीं देती। अपने फ्रेंड्स के साथ कार्लोस को चिढ़ाने लगती है। कार्लोस को निकोल का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता तो फिर उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। बाद में उसने उसे इग्नोर करना कंटिन्यू किया था। दूसरे दिन कार्लोस फुटबॉल खेल रहा था। उसका मैच जब खत्म हो गया तो उसके पास निकोल आई। कल उसने उसके साथ जो बिहेव किया था इसके लिए उसे सॉरी कहती है। कार्लोस अब भी उस पर गुस्सा था। उसे कहता है कि तुम स्कूल आती ही क्यों हो, तुम्हें अगर इसी तरीके से मस्ती करनी है तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। निकोल कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन क्यों कराया है। कार्लोस उसे फिर से पूछता है कि तुम बीच पर सफाई का काम क्यों कर रही थी। निकोल उसे बताती है कि बीच पर सफाई करने की एक पनिशमेंट थी। अंडर एज ड्रिंकिंग की वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया गया था और एक कोर्ट ऑर्डर की वजह से कम्युनिटी सर्विस में सर्व कर रही थी। वो दोनों फिर अच्छी तरीके से बात करने लग गए। इसी में कार्लोस निकोल को माफ कर देता है। इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन निकोल और मैडी कार्लोस के फुटबॉल मैच देखने के लिए जाती है। कार्लोस अपने फुटबॉल मैच में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मैच को अपने अच्छे स्किल्स की वजह से जीता देता है। मैच के बाद मैडी के साथ उसके घर पर जाने का उन्होंने डिसाइड किया। कार में नाचते घूमते हुए घर की तरफ जाने लग जाते हैं। निकोल फ्रंट सीट से उठकर बैक सीट पर कार्लोस के पास आ जाती है। मैडी कार ड्राइव कर रही थी। निकोल फिर कार्लोस को कडल करते हुए चिक्स पर किस करने लगती है। इसी दौरान ड्राइव करते करते मैडी को भूख लगती है तो कार्लोस निकोल और मैडी को एक जगह लेकर जाता है। वहाँ पर ढेर सारे अच्छे फूड स्टॉल्स थे। मैगी और निकोल वहाँ पर भी अपना पागलपन और मस्तीगिरी शुरू कर देते हैं। यहाँ निकोल को एक फूड ट्रक पर खाना बहुत अच्छा लगता है। मैडी को वॉशरूम जाना था, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं थी तो एक सुनसान जगह पर वो जाने लगती है। निकोल को कार्लोस को किस करना था। उसके करीब आके तो कार्लोस खुद निकोल को किस कर लेता है। कार्लोस फिर उन दोनों को अपने फ्रेंड्स के पास लेकर जाता है। वो बीच पर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। उनके साथ कार्लोस का ब्रदर भी था जिसका नाम था हेक्टर। सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तभी कार्लोस की मॉम बाहर आती है। उन्हें वो डांटने लग गए क्योंकि कार्लोस को ऐसे लड़कियों के साथ घूमना उसे अच्छा नहीं लगता था। मॉम की डांट का कार्लोस पर बहुत असर पड़ रहा था पर इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करता है। दूसरे दिन निकोल स्कूल की प्रीमाइसेस में एक दूसरी अनजान लड़की के साथ टकरा जाती है। वो लड़की निकोल पर बहुत भड़क गई थी। निकोल उसे इग्नोर कर अपनी फोटोग्राफी क्लास में चली जाती है। वही लैब में कार्लोस भी आ जाता है। निकोल के पास जाने के बाद कार्लोस को एक फोटो दिखती है। ये फोटो कटी हुई थी। निकोल कार्लोस को बताती है कि यही मेरी दुनिया है, इस दुनिया में सिर्फ मेरी ही मर्जी चलती है। उसे फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती थी। उसने इस फोटोग्राफ को इसलिए फाड़ा था ताकि जिन लोगों की उसे अपनी लाइफ में जरूरत नहीं है उन्हें फोटो में भी नहीं चाहती। यहाँ पर दोनों बहुत बात करते हैं और एक दूसरे को करीब से जानते हैं। वो फिर से किस करते हैं। दूसरे दिन निकोल कार्लोस को अपने घर पर बुलाती है। वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बाद में उन्हें निकोल के घर के खिड़की के बाहर एक अनजान आदमी का पता चलता है। कार्लोस छिपने की कोशिश करता है तभी निकोल उसे बताती है कि अनजान आदमी मेरे फादर ही है। मैं क्या करती हूँ इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। निकोल और कार्लोस फिर और एक बार करीब आने लग गए। वो इंटीमेट होने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन कार्लोस को निकोल के फादर के वहाँ पर होना ये बात वो भूल नहीं पा रहा था। निकोल समझ जाती है कि कार्लोस जरा अनकंफर्टेबल है और उसे फोर्स नहीं करती। फिर से वो साथ में बैठ गए। कमरे से बाहर निकलते ही निकोल को अपनी स्टेप सिस्टर मॉर्गन मिलती है। निकोल मॉर्गन को उठाकर उसके साथ खेलने लगती है पर ये बात मॉर्गन की मॉम को अच्छी नहीं लगती। वो मॉर्गन को निकोल के हाथ से छुड़ाकर दूर लेकर जाती है। इसके बाद निकोल के फादर ने कार्लोस के साथ हैंडशेक किया। उनकी बातचीत होने लग गई। वो कार्लोस से उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं। यही बातें निकोल सुन रही थी। निकोल अपने फादर को कार्लोस से बात करने के लिए मना करती है। कार्लोस कहता है कि तुम्हारे फादर है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। अपने फ्यूचर के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, वो एक अच्छा पायलट बनना चाहता है। निकोल के फादर इस
बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। इसके साथ वो निकोल को ताना मारते हैं कि कोई ना कोई तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तुम्हें तो अपने फ्यूचर की कुछ पड़ी ही नहीं है। बात करते करते कार्लोस को पता चल जाता है कि जिनको उसने स्पॉन्सरशिप के लिए लेटर लिखा था ये और कोई नहीं तो निकोल के फादर ही थे। निकोल के फादर कार्लोस को अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देते हैं और मीटिंग के लिए बुलाते हैं। निकोल और कार्लोस को एक डिनर के लिए भी उन्होंने इनवाइट किया। निकोल इस बात से गुस्सा हो गई थी, वो फिर वहां से चली जाती है। निकोल को ये भी पसंद नहीं आता कि कार्लोस ने उसके फादर के साथ बात की थी। वो सारा गुस्सा कार्लोस पर उतारने लग गई थी। निकोल का गुस्सा देखकर कार्लोस ये कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे फादर को ही मैं स्पॉन्सरशिप के लेटर लिखता हूँ, मुझे बिना किसी स्ट्रगल की स्पॉन्सरशिप मिल जाती। निकोल को अब लगा कि कार्लोस ने उसके साथ फ्रेंडशिप सिर्फ स्पॉन्सरशिप पाने के लिए की थी। इस बात से निकोल कार्लोस पर बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। वो ये बात उससे पूछ लेती है कि क्या तुमने सिर्फ स्पॉन्सरशिप पाने के लिए मुझसे दोस्ती की थी। कार्लोस को अपनी गलती रियलाइज हुई, उसे पता चला कि वो कितना सेल्फिश हो गया था। कार्लोस फिर निकोल को सॉरी कहता है। वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट सैटरडे निकोल कार्लोस को एक एयरपोर्ट पर लेकर जाती है। वहाँ वो कार्लोस को एक प्राइवेट जेट उड़ाने के लिए लेकर गई थी। ये कार्लोस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वहाँ पर दो पायलट्स थे तो एक पायलट की जगह कार्लोस को भी वो प्लेन उड़ाने देते हैं। इस बात से कार्लोस बहुत खुश था। इसके बाद वो निकोल के घर पर आ जाते हैं। उन पर इस बार कोई भी नजर नहीं रख रहा था तो इंटीमेट होने लग गए। देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लग गए थे। निकोल हमेशा अपने सारे मूवमेंट्स कैप्चर करती रहती थी, वो हमेशा इन पलों को अपने साथ रखना चाहती थी। एक दिन कार्लोस को अपने ओल्ड फ्रेंड्स मिलते हैं। बातों बातों में एक दूसरे का वो मजाक उड़ाने लग गए। इसी बीच कार्लोस और उसके फ्रेंड में झगड़ा हो जाता है। इस बात से गुस्सा होकर कार्लोस अपने घर पर आ गया। वो कुछ दिनों से अपने घर पर लापरवाह बर्ताव कर रहा था। उसकी मॉम ने नोटिस करती है और उसे बहुत कुछ कहती है। कार्लोस फिर से गुस्सा हो जाता है। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और तुम इस तरीके से बिहेव कर अपना सारा फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए सैक्रिफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जिस तरीके से बात कर रहा था ये देखकर उसका बड़ा ब्रदर हेक्टर उसे समझाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें माँ से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए हमेशा पूरे दिन तक काम करती रहती है। तुम्हारे पास अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, सिर्फ एक लड़की की वजह से तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए। ये सब बात करते करते कार्लोस और हेक्टर के बीच में भी फाइट हो गई थी। दूसरे दिन कार्लोस निकोल के साथ बीच पर था। उसे याद आता है कि निकोल के फादर ने कार्लोस को मीटिंग के लिए बुलाया था। निकोल के साथ टाइम स्पेंड करते हुए इसके बारे में वो भूल गया था और ये मीटिंग उसने मिस कर दी थी। शाम को निकोल और कार्लोस फैमिली के साथ अपने फ्रेंड की सिस्टर की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं। वह किसी बात की वजह से कार्लोस की मदर कार्लोस को फिर से भला बुरा कह देती है। इससे कार्लोस का मूड खराब हो जाता है। ये ठीक करने के लिए थोड़े टाइम के लिए वो निकोल को अकेला छोड़कर कहीं पर चला जाता है। निकोल भी पार्टी को छोड़कर बाहर आ जाती है। गाड़ी स्टार्ट कर वो भी निकल गई। एक दूसरी जगह पर पहुंचकर वो कार्लोस को कॉल करती है। कार्लोस निकोल से पूछता है कि इस तरीके से पार्टी को बीच में छोड़कर तुम यहाँ पर क्यों आ गए। निकोल बताती है कि वहाँ पर फैमिली पार्टी में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। निकोल अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि उसे अपने आप पर घिन आ रही है। वो बातों बातों में अपने प्यार का इजहार करती है। उसे पता था कि कार्लोस भी उससे प्यार करता है, उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद एक दिन कार्लोस निकोल के फादर से मिलने के लिए गया। वो बात कर रहे थे तो निकोल के फादर पूछते कि तुम मीटिंग के लिए आए क्यों नहीं थे। कार्लोस कहता है कि मैं स्कूल की बस में नहीं चढ़ पाया था और इसी वजह से मैं लेट हो गया था। निकोल के फादर ने पूछा कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, इसके बारे में उस दिन तुमने किसी से बात की थी, मेरे सेक्रेटरी को तो तुमने कॉल किया ही होगा। कार्लोस इस पर झूठ कहता है और उसने हाँ कह दिया। निकोल के फादर ने फिर सेक्रेटरी को बुलाया। सेक्रेटरी साफ साफ मना कर देती है कि उसे कार्लोस का कॉल नहीं आया था। निकोल के फादर को कार्लोस का झूठ अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि तुम निकोल के साथ रहकर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो। वो कहते हैं कि निकोल सुसाइडल है, उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसका बिहेवियर भी एक रीजन था कि निकोल की मदर ने सुसाइड कर ली थी। निकोल की मदर ने जब से सुसाइड की तभी से वो इस तरीके से बिहेव करने लग गए। निकोल ने बहुत बार सुसाइड करने का ट्राई किया था। ये सब बताकर निकोल के फादर कार्लोस को एक डील देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप दूंगा, तुम्हें सिर्फ निकोल से दूर रहना है। दूसरे दिन निकोल और कार्लोस स्कूल में मिलते हैं। निकोल को इस बात का पता चल गया था। वो कार्लोस से माफी मांगने लगती है। वो कार्लोस से पूछती है कि मेरे फादर ने तुम्हें ऐसा कहा क्या। कार्लोस सारी बातें निकोल को बता देता है। कार्लोस ने कहा कि जो तुम्हारे फादर ने कहा है मैं सब कुछ वैसा ही करूंगा। ये सुनकर निकोल वहां से रोते हुए चली जाती है। कार्लोस निकोल को बहुत मिस कर रहा था। वो उसे कॉल लगाता है पर बैकग्राउंड में पार्टी चलने की आवाज आ रही थी। वो डायरेक्टली पार्टी में चला गया और निकोल को ढूंढने लगता है। निकोल हॉट पूल में बात ले रही थी और एक दूसरे लड़के को किस कर रही
रही थी। कार्लोस जबरदस्ती निकोल को वहां से गाड़ी में बिठाकर लेकर जाता है। रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेते हैं। निकोल की हालत बहुत खराब थी। वो कार्लोस को रुकने के लिए कहती है और रुकते ही पुलिस के साथ वो लड़ने लग गई। निकोल को पुलिस फिर उसके फादर के पास लेकर आते हैं। फादर उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। निकोल की स्टेप मदर उनसे कहती है कि निकोल की इस बर्ताव को हमें कब तक सहना पड़ेगा। पीछे पीछे कार्लोस भी निकोल के घर पर पहुंचता है। वो माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। निकोल के फादर कार्लोस को भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। निकोल इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। उनसे पूछती है कि आप हमें जुदा करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। मैं कार्लोस से प्यार करती हूँ, क्या प्यार करने का राइट मेरे पास नहीं है। वो रोने लगती है। सब उसे छोड़कर अपने रास्ते निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे कार्लोस निकोल को स्कूल में ढूंढने लगता है, मगर वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। जब वो अपनी एग्जाम दे रहा था तो खिड़की में देखने पर उसे निकोल दिखी। कार्लोस एग्जाम को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। वो जाकर उसे फोटोग्राफी लैब में मिलता है। वो बात करते हैं तो निकोल कार्लोस को कहती है कि मेरे फादर मुझे कहीं और जगह पर लेकर जाने वाले हैं। कल रात जो भी हुआ था इसके लिए निकोल कार्लोस से माफी मांगती है। कार्लोस कहता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए। निकोल कहती है कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। कार्लोस ने कहा कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना इस एग्जाम से, ना इस स्कूल से, ना तुम्हारे फादर से। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वो दोनों फिर स्कूल के पीछे के डोर से निकल जाते हैं। एक होटल में जाकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों इंटीमेट हुए। इसके बाद निकोल अपनी पर्सनल डायरी में कार्लोस को अपने लेटर्स दिखाती है। ये सुसाइड नोट्स थे। निकोल उसे अपनी मदर के बारे में कहती है। उसने कहा कि मेरे फादर को हमेशा लगता रहता है कि मैं भी अपनी मदर की तरह सुसाइड ना कर लूं। कार्लोस निकोल को समझाता है कि तुम्हारे फादर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें सिर्फ पता नहीं कि तुम्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। तुम्हारे एज को सीरियसली नहीं लेते। अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाए तो समझ सकते हैं। रात में बालकनी में निकोल सोच रही थी। कार्लोस उसके पास आकर पूछता है, कितनी गहराई से तुम सोच कह रही हो। निकोल कहती है कि मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मुझे अपने आप में अब चेंजेस करने पड़ेंगे, इम्प्रूव होना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं सोचती थी वैसा अब मुझे नहीं सोचना है। उसे लाइफ के लिए पॉजिटिव बनना है। कार्लोस निकोल की इस जर्नी में उसे साथ देने का वादा करता है। नेक्स्ट डे निकोल अपने फादर के पास जाती है। उनसे कहती है कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। वो अब खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहती थी। वो ये भी कहती है कि मुझे पता है मैं आपको मॉम की याद दिलाती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं वाली। निकोल ने कहा कि मैंने बहुत सारी चीजें की है जो लोग समझ नहीं पाएंगे, पर आपने हमेशा मुझसे प्यार किया है। फादर ये सब बात सुनकर उसे गले लगा लेते हैं। फादर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। वहां पर निकोल की स्टेप मॉम आके वो कहते हैं कि हमें किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए ताकि यहाँ की यादें निकोल को तकलीफ ना पहुंचाए। सब लोग घर के बाहर आ जाते हैं। दरवाजे के बाहर कार्लोस गाड़ी लेकर तैयार था। कार्लोस निकोल के फादर से कहता है कि मैं निकोल के पूरी तरीके से ख्याल रखने के लिए रेडी हूँ। मैं उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखूंगा। निकोल के फादर कार्लोस के पास जाते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया मेरी हर एक बात को मानने के लिए। इसका मतलब है निकोल को सुधारने के लिए निकोल के फादर और कार्लोस ने मिलकर प्लान किया था और अब निकोल खुद सुधरना चाहती थी। एंड में दिखाया जाता है कि निकोल ने काफी सारा इम्प्रूवमेंट किया था। कार्लोस भी एक अच्छा पायलट बन चुका था। निकोल और कार्लोस एक दूसरे के प्यार में बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।